साउंड अंदर है। सोनू सर यहाँ पे करिए इधर। सर एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। हाँ बोलो। सर सेंटर लुक कैमरा लुक। चलो प्रियंका प्रियंका किधर बाय। आरटीएम तो हमारी फैमिली है और आशीष जोशी जी और सारी पूरी टीम ने मिलकर बहुत मेहनत की है। मैं तो उसका एक नुमाइंदा हूँ, मैं कह सकते हैं मैं उसका एक फेस हूँ और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, पर सारी मेहनत तो हमारी टीम की है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक मौका है सारे गायकों और गायिकाओं के लिए अपनी अपनी कला को पेश करने का। मैं भी इसको यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आया। सर आज क्या किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके के स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन, जजेस सब एक्साइटेड है, व्हाट डू यू वांट टू से? बेसिकली आरटीएम सुपरस्टार एमलगमेशन ऑफ वन ईयर ऑफ एफर्ट्स, वी डू लॉट ऑफ शोकेस इवेंट्स। ये पूरा एक ग्रैंड फिनाले जो बना है उसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वार्टर फाइनल्स सेमीफाइनल्स हुए एंड फाइनल्स में दे वर ऑल एक्साइटेड टू कम ऑफलाइन बिकॉज आज इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वी टीच ऑनलाइन बट दी सुपरस्टार इज हैपनिंग ऑफलाइन एंड व्हाट बेटर देन हैव समवन लाइक सोनू जी एंड मेनी अदर जजेस हु हैव कम टू ब्लेस देम। फॉर देम इट्स ड्रीम कम ट्रू राइट। आई मीन ये इनके जीवन में कभी होने वाला नहीं है। सो वी आर थैंकफुल टू ऑल द जजेस हु हैव कम ऑन बोर्ड एंड दे आर ब्लेसिंग अस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काफ़ी लोग अपने स्किल्स होते हैं, टैलेंट होते हैं, शोकेस कर पाते हैं। जो गाना हम जो पहले आपके जो गाने हम पहले सुनते आ रहे हैं, अभी हम देखते हैं गाने का रीमेक होता है। अभी हाल ही में आपने हनुमान चालीसा गाया है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। जो मतलब कैसा आपने चार सवाल एक साथ पूछे, मुझे किसका आंसर दो समझ नहीं आया मुझे। कहाँ आपने पहले सोशल मीडिया की बात बोली, फिर रीमेक की बात बोली, फिर हनुमान चालीसा की बात बोली, अभी किसका आंसर दूँ मैं बताइए। सोशल मीडिया में जो गाने आते हैं, जो मतलब टैलेंट शोकेस करते हैं सब ऑडियंस, और जिस हिसाब से प्रिपरेशन होता है, वो चेंजेस को सोशल मीडिया के जो चेंजेस को आप किस तरीके से देखते हैं? चेंजेस होते रहते हैं सोसाइटी में, डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग एक्सपोजर। और आपके गाने अभी हाल ही में आपने हनुमान चालीसा लाया है, आपने इसको दो साल हो गए, दो साल हो गए, बट हम अभी भी सुनते हैं और लोग काफ़ी लोग अभी भी ये मतलब पसंद करते हैं। जी 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 जी, हम ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान हमारे हाथ से निकालते रहे, हमारे गले से अच्छी बातें आती रही, बस ही भगवान। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? हम अपने आरटीएम के हिसाब से बात करूँगा तो जो सीखने की विद्या हमें बचपन में नहीं मिल पाई, आरटीएम की वजह से इस विद्या को दुनिया के कोने कोने तक लोगों को बांटा जा रहा है, पहुँचाया जा रहा है, इसका मैं हिस्सा हूँ, मुझे इसकी बहुत खुशी है। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।